हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम लोग कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या है और डे टू डे हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। मैं ये सुवर्णा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। हम लोग बहुत टायर्ड है या नॉर्मल कोल्ड प्रेजेंट है या कफ है तो हम लोग नियर बाय डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है कुछ खाने के लिए तो भी हम लोग डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर अच्छे से डायग्नोस करके जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे डे बाय डे हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी मैं देने वाली हूँ। तो डे फर्स्ट और डे टू, ये डे फर्स्ट और डे टू में क्या दिखाई देता है, तो जो नॉर्मल कोल्ड है वो दिखाई देता है, दम इतना नहीं रखता है क्योंकि अभी तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी चेंज हुआ है। तो नॉट नेसेसरी कि हम लोगों को कोरोना वायरस भी हुआ है करके, बट ये कोरोना वायरस का सिम्टम्स डे फर्स्ट और डे सेकेंड में कुछ नहीं दिखाई देता है। हम लोग अच्छे से खाते हैं और पीते हैं, जो भी नॉर्मल लाइफस्टाइल हमारा डेली है, जो रूटीन है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये डे फर्स्ट और डे सेकेंड में हम लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं कि नहीं, ये हम लोगों को नहीं समझता है। हम लोग देखेंगे डे थर्ड, तो डे थर्ड में सोर थ्रोट होता है और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई होता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे बॉडी में माइल्ड नोशिया, वोमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है डे थर्ड में। अभी हम लोग देखने वाले हैं डे फोर। डे फोर में हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो डे फोर्थ में हमारा थ्रोट पेन होता है और जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई होता है, यानी कि 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारा जो जॉइंट है वो जॉइंट भी पेन होता है इस डे फोर्थ में। तो ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग इमिजिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग देखेंगे डे फाइव और डे सिक्स। तो डे फाइव और डे सिक्स में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई होता है, हाई यानी कि 37.2 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये कंटिन्यू फीवर आता है, फीवर यानी कि बुखार आता है, खांसी भी आती है, ड्राई कफ भी होते हैं और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, मीन्स हम लोगों को ये सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है और हमारा जो बॉडी है वो पूरा टायर्ड होता है क्योंकि कंटिन्यू फीवर भी है। तो ये थे डे फाइव और डे सिक्स के सिम्टम। अभी हम लोग देखेंगे डे सेवन। डे सेवन में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होता है, तो डे सेवन में बहुत सारी खांसी होती है, कफिंग होते हैं, जब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई होता है, बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है और ये कंटिन्यू फीवर आता है, हेडेक भी स्टार्ट होता है और जो हमारा पूरा बॉडी है वो पूरा वीक होता है और डायरिया भी होता है। तो ये स्टेज में हम लोगों को डॉक्टर एडमिट करते हैं डे सेवन में। अभी हम लोग देखेंगे डे एट टू डे नाइन। डे एट और डे नाइन में हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत इंक्रीज होता है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होती है, हम लोग अच्छे से सांस भी नहीं ले पाते है ये डे एट और डे नाइन में। अभी हम लोग देखने वाले हैं डे 10 और डे 11 में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो डे 10 और डे 11 में डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, हमारे चेस्ट एक्सरे निकालते हैं, हमारे जो चेस्ट एक्सरे है इसमें जो हम लोगों का ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, जो इन्फेक्शन हुआ है क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो ऑलरेडी इंटर हुआ है हमारे लंग्स में यानी कि फेफड़ों में, तो वो इंटर होने के बाद हमारे लंग्स में वो लेयर्स तैयार करता है, तो इस वजह से हम लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। और ये चेस्ट एक्सरे निकालने के बाद डॉक्टर को दिखता है कि कितना इन्फेक्शन हुआ है, जो हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है तो ये एक्सरे में पूरा दिखाई देता है और हम लोगों को भूख भी नहीं लगती, अब्डोमिनल पेन भी होते, पेट में दर्द होता है और जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो बढ़ी जाती है। तो इस स्टेज में डॉक्टर हम लोगों को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं क्योंकि आईसीयू में जो कुछ हम लोग अच्छे से खाना नहीं खा सकते, तो सम आईवी फ्लूइड, मेडिकेशन, फीवर है, इन्फेक्शन है, तो जो भी मेडिसिन है वो ट्रीटमेंट डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे डे 12 टू डे 14।
डे 12 और डे 14 में जो भी ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हम लोगों को पूरा स्टार्ट करते हैं, जितना है उतना वो अच्छे से केयर देते हैं। डे 13 में भी थोड़ा माइल्ड का प्रेजेंट रहता है और डे 14 में हम लोगों को डिस्चार्ज मिलता है। बट हमारी कंडीशन अच्छी रहेगी तो ही डॉक्टर आप लोगों को डिस्चार्ज देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे तो इसका भी ध्यान रखो। पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आप लोगों को डिस्चार्ज मिलता है। तो ये थे डे बाय डे टू सिम्टम्स, हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखाई देते है, हम लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आप लोग कभी भी बाहर जाते तो हमारा फेस पूरा कवर करके जाना बहुत जरूरी है। जो मास्क है वो मास्क लगा के ही बाहर जाना है, क्योंकि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आज की जानकारी कैसी लगी आप लोगों को, प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना।